हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी केर ट्रैकर में आज यहां पर हम संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चलिए इसको शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं तो वह सदन होता है लोकसभा लोकसभा की संरचना से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद इक्सी ठीक है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है तो संविधान में लोकसभा की जो सदस्यों की मैक्सिमम संख्या है वह पाँच बावन है ठीक है फ्रेंड्स अगला है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में पाँच हैं जबकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पाँच बावन एक पॉइंट है कि चौरासीवें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक यथावत स्थिति रहेगी यानी कि अभी 545 हैं 2026 तक ये इतने ही रहेंगे उसके बाद दोबारा से परिसीमन कराया जाएगा ये चौरासीवें संशोधन के द्वारा हुआ था और चौरासीवा संशोधन 2001 में किया गया था अगला प्रश्न है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय है वहाँ से राष्ट्रपति दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं अगला है लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं तो लोकसभा में जो सीटें होती हैं वह जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं लोकसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया व स्थगित किए जाते हैं तो लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं वह बुलाने और स्थगित करने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास है संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है ठीक है राष्ट्रपति ही बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं ओ, जो उसकी प्रक्रिया होती है वो लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है ठीक है अगर लोकसभा का अध्यक्ष वहाँ पर नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है तो फिर राज्यसभा के जो उपाध्य सभापति होंगे वो करेंगे लेकिन राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते ठीक है फ्रेंड्स अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष यहाँ पर रखी गई है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो जो उत्तर प्रदेश है यह सबसे अधिक प्रतिनिधि लगभग अस्सी प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है तो वह है महाराष्ट्र में अड़तालीस किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो देखिए नागालैंड सिक्किम और मिजोरम में एक एक सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं लोकसभा का नेता कौन होता है तो लोकसभा का नेता जो होता है हाँ, वह प्रधानमंत्री होता है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था की गई थी यह 1976 से दी गई लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं तो देखिए एक वर्ष में कम से कम दो मीटें एक लोकसभा की होनी ही चाहिए यानी कि दो मीटिंगों के बीच में छः महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता लोकसभा को भंग कौन कर सकता है तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर वित्तीय बिल कहाँ पेश किया जाता है तो जो वित्तीय बिल होता है मनी बिल होता है वह लोकसभा में लोकपीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह यह डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा तो कहाँ पेश किया जाता है वह केवल लोकसभा में ही आता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है जो अविश्वास प्रस्ताव होता है राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है ठीक है फ्रेंड्स ये इसीलिए होता है क्योंकि जो लोकसभा है वह मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है इसीलिए जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वह लोकसभा में ही आता है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है तो जो बजट होता है वह लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है जब बजट का जो बिल आता है वो पारित हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है लेकिन वहाँ केवल राज्यसभा उसको ना उसमें वो संशोधित कर सकते हैं ना वो उसको रोक सकते हैं ठीक है थीके? वो केवल अपनी सिफारिशें दे सकते हैं जो लोकसभा के ऊपर है वो उसको माने या ना माने ठीक है फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्यों की निर्योगता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है तो वह लेता है लोकसभा का अध्यक्ष अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं तो जो टेम्प्रेरी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है ठीक है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ठीक है प्रोटीम स्पीकर वो होता है कि जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उनके सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक प्रोटीम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है जो उन सभी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं उसके बाद जो परमानेंट अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के उनका चुनाव किया जाता है कितने दिनों तक अनुपस्थिति अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो अगर आप बिना लोकसभा अध्यक्ष को बताए बिना कारण बताए आप साठ दिनों तक गैर हाजिर रहते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है कि तारंकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है बीस तारंकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके जवाब जो सदस्य होते हैं वो मौखिक रूप से चाहते हैं वो चाहते हैं कि तत्काल अभी के अभी उन सवालों के जवाब मिल जाए ठीक है तो जो अलिखित रूप से जिनके जवाब चाहिए होते हैं संसदो, संसदों सांसदों को तो उन प्रश्नों को कहते हैं तारांकित प्रश्न मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो मंत्रिपरिषद जो होती हुआ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वह मंत्रिपरिषद के ही विरुद्ध आता है इसीलिए वो केवल लोकसभा में ही आता है ठीक है किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद पिछहत्तर तीन के तहत किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है तो जो संसद है वह लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है ठीक है देखिए संसद के अंदर कौन कौन आते हैं संसद के अंदर एक आता है राज्यसभा एक आती है हमारी लोकसभा और एक आते हैं हमारे प्रेसिडेंट इन तीनों से मिलाकर भारतीय संसद बनती है ठीक है फ्रेंड्स संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है तो एक वर्ष के लिए यह वृद्धि होती है ठीक है फ्रेंड्स लेकिन जैसे ही वह आपातकाल हटता है तो उसके छः महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से चुनाव कराने पड़ते हैं ठीक है फ्रेंड्स किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके दो बार बढ़ाया गया था तो 1976 में जब इंदिरा गांधी द्वारा भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी तब तो लोकसभा का कार्यकाल एक एक साल के लिए बढ़ाया गया था राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र ठीक के जहाँ पर प्रश्न और उत्तर किया जाता है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है हाँ बिल्कुल दे सकता है यदि वह मंत्रिमंडल का सदस्य हो ठीक है कोई व्यक्ति जैसे जब हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के सदस्य थे ठीक है वो राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन वो प्रधानमंत्री थे इसीलिए वो लोकसभा में भी आ सकते थे ठीक है लोकसभा में भी अपना बयान दे सकते थे तो यही चीज़ है कि अगर कोई मंत्री है कैबिनेट मंत्री है और वो राज्यसभा से सदस्य है तो वह लोकसभा में आ सकता है ठीक है फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है तो वही बात आ गई प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है ठीक है और जो उपाध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष को अपना पत्र देता है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है तो जो फाइनल जो वोट होता है वह देने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है तो लोकसभा का जो सचिवालय है यह लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे ठीक है फ्रेंड्स भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष अगर अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष वो भी ना हो तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है तो देखिए जो नियम समिति होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है तो लोकसभा महासचिव की जो नियुक्ति है वह लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर ही करता है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था तो जो पहली लोकसभा थी भारत की वह सत्रह अप्रैल उन्नीस से लेकर चार अप्रैल उन्नीस तक थी लोकसभा का जनक किसे माना जाता है भारत में तो वह जीवी मावलंकर क्योंकि ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शायनम अयंगर ठीक है फ्रेंड्स किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था तो जो बलराम जाखड़ थे इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था ये सातवीं और आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ठीक है फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है जब ना तो जब न तो उपाध्यक्ष प्रेजेंट हो ना ही अध्यक्ष तो उस वक्त लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वो करता है राष्ट्रमंडल अध्यक्षताओं के सम्मेलन में सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है तो राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष होते हैं उनके सम्मेलन में जो पदेन महासचिव होता है वहाँ का वो लोकसभा का महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के तरह होते हैं तो वह है ब्रिटेन के ठीक है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है तो वह है लोकसभा अध्यक्ष ठीक है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी जो कि पंद्रहवीं लोकसभा की अध्यक्षता थी संसद का कौन सा सदन उच्च सदन होता है तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या ढाई सौ होती है दो सौ पचास होती है ठीक है वर्तमान में कितनी है दो सौ पैंतालीस ठीक है और बोलेगा कि चुनाव कितनों का होता है तो चुनाव होता है दो सौ तैंतीस का ठीक है फ्रेंड्स राज्यसभा की जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद अस्सी में वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो सदस्य अभी 245 सौ है जिनमें से 243 का जो तो चुनाव किया जाता है जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा जबकि 12 लोगों का जो मनोयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है अलग अलग क्षेत्रों के जो अपने प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु तीस वर्ष निर्धारित की गई है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्षों का होता है ठीक है ये जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है यह कभी भी भंग नहीं होती है इसके जो एक तिहाई सदस्य होते हैं ये हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे एस वी कृष्ण मूर्ति ठीक है यहाँ पर पूछा है उपसभापति कौन थे तो अगर ये पूछता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे तो वही होंगे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है तो वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है तो अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने का जो अधिकार है वह राज्यसभा को है ठीक है दो तिहाई बहुमत से राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस इनको वह सृजित कर सकती है राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बना सकती है तो देखिए अगर राज्यसभा को लगता है या संसद को लगता है कि कोई जो विषय है जो राज्य सूची में वर्णित है उस पर कानून बनना चाहिए तो राज्यसभा अनुच्छेद दो के तहत उन विशेष शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है ये किसको अधिकार प्राप्त है केवल राज्यसभा को प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया था तो प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया था तीन अप्रैल उन्नीस को ठीक है और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वह तेरह मई उन्नीस को हुई थी कितने दिनों के भीतर राज्यसभा को धन विधेयक लौटाना होता है तो जो मनी बिल आता है राज्यसभा में राज्यसभा को चौदह दिनों के अंदर उसे वापस लोकसभा में भेजना होता है राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं तो देखिए राज्यसभा के जो सभापति है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं क्योंकि ये सभापति भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं और हमने ये पढ़ा है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे हमारे संसद से संबंधित महत्वपूर्ण साठ प्रश्न इस वीडियो को आपने ध्यान से देखें इससे आप क्वेश्चन को लीजिए पूरे क्वेश्चन जितने भी जो ये संविधान के संशोधन इससे संसद से बनाए जाते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में लिए हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें ठीक है चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू फ्रेंड्स